हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं? आलू के पराठे। तो उसके लिए पहली बात हमें क्या ध्यान में देना है, आलू जो है बहुत ही अच्छे से पके हुए होने चाहिए। जैसे कि हम मैश करते हुए जो आलू है अच्छे से मैश होने चाहिए, मतलब गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। जैसे कि आलू आधा पका हुआ आधा वैसे ही ऐसे होने पर फिर आलू अच्छे से मैश नहीं होते हैं। तो अगर हमें पराठे हमारे बिल्कुल भी टूटे नहीं बनाते वक्त, फटे नहीं, उसके लिए हमें ध्यान देना है कि आलू जो है अच्छे से फाइन होने चाहिए, बिल्कुल भी टूटने नहीं चाहिए, उसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद जो है हमें बारीक कटा हुआ प्याज और लहसुन डालना है। उसके बाद मैंने हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाला है। और अगर आपको आपके पसंदीदा जो भी मसाले हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। इतना होने के बाद हमें जो है इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से फिर से मिक्स कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारे पराठे हैं बिल्कुल भी ना फटे। उसके लिए मेन चीज़ यही है कि जो हमारा आटा होता है गेहूं का, उसे हमें अच्छे से गूंदा हुआ चाहिए। मतलब अगर आटा अच्छा नहीं हो तो बिल्कुल भी आलू के पराठे बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेंगे और टूटेंगे। अगर हमें आलू के पराठे अच्छे से चाहिए, बिना फटे और सॉफ्ट और काफ़ी देर तक टिके रहे, अगर खाने में लेट भी हुआ तो, सब कुछ वो आटे पर डिपेंड है। तो आप देख सकते हैं मेरे हेल्प के लिए मक्खियाँ भी आ चुकी है, तो अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मेरा कैमरा जो है मैंने ऊपर शेल्फ पर रखा है और इस तरीके से मैं जो वीडियो है रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मैंने बोला था मेरे भाई को हेल्प करे कि मैं पराठे बनाती हूँ तो मेरा रिकॉर्ड करो, पर बिल्कुल भी नहीं माना और मेरे सामने बैठा है कि फटाफट आलू के पराठे बनाओ और मुझे दो। और पराठे बनाने के साथ साथ मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, मक्खियों को भी भगाने का काम कर रही हूँ, पर वो भी बोल रही है कि मुझे आलू के पराठे जल्द से जल्द दो। तो फिर उसके बाद जो है हम इस तरीके से आलू के पराठे बना देते हैं और बिल्कुल भी ये फटेगा नहीं। बस जब हम इस तरीके से बेलेंगे तो ऊपर जो हमने डाला था गार्लिक वो ऊपर आपको दिखेगा, पर हमारे जो पराठे हैं बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सॉफ्ट पराठे बनेंगे। और अगर आपको कोई चटनी बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं, यहाँ पर मैं नहीं बना रही हूँ और यहाँ मैं ऑयल का ही यूज़ कर रही हूँ। आप घी ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं और इस तरीके से आप आलू के पराठों को सेक सकते हैं इसके साथ। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से बनाया है। और मेरे पास केचप है इसलिए मैं कोई कुछ चटनी नहीं बना रही हूँ, और आप अपने हिसाब से जो भी है बनाए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पराठा है सिक चुका है और अब हम बाकी के पराठे बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर क्या है, ये गांव है तो देसी स्टाइल में बनाना पड़ेगा, मतलब किस तरीके से वो जो चूल्हा रहता है ना वहाँ बैठ कर बनाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर कोई किचन नहीं है बड़ा वाला, तो यहाँ पे हमें बैठकर ही ये बनाना पड़ता है। और जाकर मैं वहाँ डाल रही हूँ ये पराठे और इस तरीके से बहुत ही हमें जैसे लगता है कि आलू के पराठे बनाना बहुत ही हार्ड काम है, पर जब हम बनाने बैठेंगे ना कोई भी हार्ड काम नहीं है, इस तरीके से फटाफट बन जाते हैं। और जैसे कि ये आलू को जब फिल करेंगे हम, जो आटा बच जाता है उसे हमें निकाल लेना है, ठीक है, वरना नीचे जो है एकदम मोटी परत बन जाती है और पराठों के ऊपर से और नीचे से जब हम देखेंगे। तो इस तरीके से हमें पराठे बनाने हैं, बहुत ही टेस्टी बने थे। और इसी तरीके से अगर आपको मेरे कुकिंग के वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पराठे बनाने का मतलब इतना भी हार्ड काम नहीं है, बहुत ही ईजी है, जो कि हमें एक बार बनाना आना चाहिए, बस अच्छे से फील करना आना चाहिए। और फिर पराठे बनाते वक्त जो हमें जो हमारा जो तवा रहता है पैन, वो भी एक अच्छा होना चाहिए, जैसे कि स्टिकी होगा तो अगर हम जब हम पराठे उस पर डालेंगे ना वो हमारे जो पराठों को है जो तोड़ देता है। इसलिए जो हमारा जो यूज़ कर रहे हैं हम नॉन स्टिक पैन, वही हमें यूज़ करना है अच्छे से, कोई भी और पैन नहीं यूज़ करना है, वरना पराठे जो है बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनेंगे। अगर हम उसमें कितना भी ऑयल या घी यूज़ करें फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि मैंने बहुत बार यूज़ करके देखा है इस तरीके से। आप देख सकते हैं मेरे जो पराठे हैं बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और मैं अभी आपको दिखाती हूँ ऊपर की परत निकाल कर अच्छे तरीके से जो पूरा आलू का है स्प्रेड हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।